Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Doha Institute of Graduate Studies. So it is a university that is located in Qatar. Qatar is one of the richest countries in the world, and if you want to study your master's or PhD in Qatar, so that is a golden opportunity for you. You all should apply for this scholarship. But before jumping into this scholarship process, first I would like to discuss some details about the scholarships with you. And for that, we'll come onto this website. I will also attach the link of this website in my YouTube video's description. All you have to do is to click on that link and the link will take you to this website, and here you can read all of the information about this scholarship. So first of all, yahan pe aapko summary nazar aa raha hai. Country, as I said, Qatar hai. Financial coverage ki agar baat kare to ye hai fully funded. Eligible regions ki agar baat kare to open to all nationalities, means ke students of all nationalities can apply for this scholarship. Agar hum deadline ki baat kare to deadline hai iski 15 January 2025. इसके बाद अगर हम फील्ड ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे फील्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं. आप इनमें से किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, वो आप यहाँ से देख सकते हो. उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम एनी कंट्री कैन अप्लाई. तो किसी भी कंट्री से अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स. आपके पास जो है बैचलर्स की डिग्री मस्ट होनी चाहिए. उसके बाद फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री अभी नहीं है, अभी आप जो है अपने सेवन्थ या एट्थ सेमेस्टर में हो, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. इसमें आपके पास कोई एज के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पे है कि एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, मींस कि आप ग्रेड्स वगैरह अच्छे होने चाहिए. और अगर आप जो है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को चूज़ करते हो तो उसका क्राइटेरिया भी आप देख लोगे कि आप फुलफ़िल करते हो या नहीं. स्कॉलरशिप जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी है, और मज़ीद बांग्लादेशी, इंडियंस, अफ्रीकन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है. उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपके पास टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं. एक है मेरिट बेस्ड और एक है फाइनेंशियल नीड बेस्ड. फर्स्ट है तमीम स्कॉलरशिप्स. इसमें आपको जो है 100% ट्यूशन फ़ी कवरेज हो जाती है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिलती है, मंथली अलाउंस भी मिलता है, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है. मतलब आपका तकरीबन सब कुछ ही इसमें कवर हो जाता है, आपकी फ़ीस से लेके आपके रिहाइश से लेके आपके मंथली अलाउंस तक, हेल्थ इंश्योरेंस तक. तो ये आपका जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है. उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप की स्कॉलरशिप की इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो वो है सनद ग्रांट स्कॉलरशिप. ये आपका फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है. इसमें भी आपको जो है 10 से 100% जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. उसके बाद अलावा आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिलेगी, मंथली अलाउंस भी मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी. तो इसमें आपके पास ये टू टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं. इनमें से आपको क्या मिलता है, कौन सा मिलता है, वो आप अप्लाई करके ही आपको पता चल जाएगा. वो जो है खुद ही एवेल्युएट करेंगे. उसके बाद अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास जो है आईडी कार्ड की जो है वो ज़रूरत होगी, मींस कि आपके पासपोर्ट की आपको ज़रूरत होगी, आपके बैचलर्स की डिग्री की. अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो आपके फाइनल ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स की, फिर जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मींस कि आपके पूरे जो है सेमेस्टर्स के मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स. उसके अलावा आपको अपडेटेड सीवी चाहिए, टू रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर या तो आपका होना चाहिए, और या फिर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप यूनिवर्सिटी से इजीली ले सकते हो. उसके अलावा आपको जो है एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी. अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, वो जो है आपका रिसीव करेंगे. फिर आपको जो है ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म वो जो है वो खुद ही सेंड करेंगे, उसका लिंक, अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे तो फिर आप जो है वो फॉर्म सब फिल करके उनको सबमिट कर दोगे. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा. आप अपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो है आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे नीचे, तो आप आ जाओगे ऑफिशियल साइट पे. ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे आप जो है सारी डिटेल्स देख सकते हो. यहाँ पे अगर आप जो है फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है ऊपर एडमिशन पे क्लिक करोगे और नीचे एकेडमिक प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स का जो है वो सारा लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा इस वेबसाइट पे. और फिर आप उसमें से अपने पसंद का कोई सा भी प्रोग्राम्स की डिटेल्स जो है यहाँ पे देख सकते हो.
यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे जो है आप देख सकते हो। इन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास इसकी डिटेल्स वगैरह ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखना चाहते हो, एडमिशन कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए भी आप ऊपर एडमिशन पे क्लिक करोगे, नीचे आप जो है एडमिशन कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करोगे, तो आपके पास जो है सारे प्रोग्राम्स की जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस वगैरह आ जाएगी प्रोग्राम वाइज, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वो देखने के बाद आप अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई करने के लिए जो है आप ऊपर एडमिशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास डॉक्टरल स्टडी और मास्टर स्टडीज़ दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप PhD में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे PhD की डिटेल्स पढ़ लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो और नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऊपर मास्टर्स प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करो और फिर नीचे जो है आप ये सारे रीड कर लो इंस्ट्रक्शंस वगैरह, और नीचे आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स भी देख लोगे। अब मैंने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो मैंने मास्टर्स पे ऊपर क्लिक किया है। मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो गया है। अब मेरा जो है फर्स्ट टाइम है, मैंने अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर लोगे और फिर दोबारा कंफर्म ईमेल एड्रेस में जो है आप दोबारा ईमेल एड्रेस अपना दे दोगे। अब यहाँ पे ऊपर आपसे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगा गया है, लेकिन ये आपने अरेबिक में लिखना है। यहाँ पर इन लोगों ने ब्रैकेट में अरेबिक लिखा है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम अपना अरेबिक में लिख लोगे। वो आप कैसे लिखोगे, आप सिंपली गूगल पर आ जाओगे, इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन लिखोगे, इंग्लिश में अपना नेम लिखोगे और सामने आपका अरेबिक में ट्रांसलेट हो जाएगा। आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दोगे। अब सिमिलरली इसी तरह जो है आप फैमिली नेम मींस के लास्ट नेम भी अपना इंग्लिश में लिख के अरेबिक में ट्रांसलेट करके यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर आप जो है अपना उर्दू के या अरेबिक के जो है वो कीबोर्ड से भी लिख सकते हो, लेकिन ये इजी जो है मेथड है। आप सिंपली इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस डाल दोगे और फिर नीचे आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो है आपको ईमेल में अपने रिसीव हो जाएगा। आप इनबॉक्स से सिंपली उसको जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लॉगिन कर दो। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम लिखना है और फिर यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है। फिर आप नीचे साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जो है आपने सिंपली क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास एडमिशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आप यहाँ पे रीड कर लोगे। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो है वो मेंशन है, वो सारे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ चीज़ें जो है वो जस्ट PhD वालों के लिए है, तो जिनके साथ PhD एप्लीकेंट्स ओनली लिखा है वो जस्ट PhD वालों के लिए रेलेवेंट है। आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अब नीचे आपने स्टार्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन है प्रोग्राम सिलेक्शन का, तो सबसे पहले स्कूल मींस के डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटी का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी का है, तो मैंने जो है यहाँ से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी सेलेक्ट कर लेना है। फिर लेवल ऑफ स्टडी है, तो यहाँ पे आप लेवल ऑफ स्टडी चूज़ कर लोगे कि एग्जीक्यूटिव मास्टर्स आप पढ़ना चाहते हो, मास्टर या PhD, तो मैं मास्टर पढ़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लूँगा। फिर यहाँ से जो है मैं अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ना है डिवेलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो मैं यहाँ पर डिवेलपमेंट इकोनॉमिक्स चूज़ कर लूँगा और फिर नीचे मैं सबमिट पर क्लिक कर लूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म के मज़ीद जो है सेक्शंस ओपन हो गए हैं। सबसे पहले जो है मेरे पास है प्रोग्राम सिलेक्शन का, तो वो मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद जो है प्रायर एप्लीकेशन का उन्होंने पूछा है कि आप जो है पहले अप्लाई कर चुके हो या नहीं, तो मैंने पहले अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पर नो चूज़ करूँगा। अगर मैं अप्लाई कर चुका हूँ तो यस चूज़ करके मैं नीचे यहाँ पर डिटेल डालूँगा कि मैंने कब अप्लाई किया था और कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया था, लेकिन मैंने नहीं किया था तो मैं यहाँ पर नो चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट फंडिंग का ऑप्शन है, तो इसमें आपने जो है लिखना है कि वुड यू लाइक टू बी कंसिडर फॉर अ DI मेरिट स्कॉलरशिप, तो मैंने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना है, तो येस मैं यहाँ पे येस चूज़ कर लूँगा। फिर मुझसे पूछा गया है कि आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप जो है आर यू परस्यूइंग एम्प्लॉयर फंडिंग और अदर स्पॉन्सरशिप, तो उसके लिए भी मैं जो है यहाँ पे नो कर लूँगा कि मुझे जो है कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा है मेरा एम्प्लॉयर वगैरह।
फिर उसके बाद जो है आर यू प्लानिंग टू यूज़ अ पर्सनल फंडिंग, तो मैं आप अपने पैसे से पढ़ना चाहते हो तो मैं यहाँ पे उसको भी नो चूज़ कर लूँगा कि मैं अपने जो है सेल्फ फाइनेंस पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं स्कॉलरशिप पे ही पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट हाउसिंग का ऑप्शन है, तो डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर DI स्टूडेंट हाउसिंग, तो इसको भी आप यहाँ पे यस कर लोगे, तो उसको भी आप यहाँ पे यस कर दोगे। उसके अलावा आपके पास है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने कहाँ और कैसे स्कॉलरशिप के बारे में सुना, तो यहाँ से जो है आप सिंपली कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे अरबिक में नेम्स का ऑप्शन आ गए हैं, वो आप पहले से लिख चुके हो। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लोगे, फिर आप यहाँ पे अगर आपका मिडिल नेम है वो लिख लोगे, और फिर आप यहाँ पे सबसे लास्ट में लास्ट नेम सरनेम जो भी है वो लिख लोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा गया है कि मेल हो या फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करोगे, आप जो है यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करोगे और सिंपली आपके पास जो है कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे। मैं वैसे रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करोगे कि कौन सी कंट्री में आपका बर्थ हुआ था, मीन्स के कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई थी। तो मेरी बर्थ जो है वो पाकिस्तान में हुई थी, मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा। फिर मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो या मैरिड वो चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आपसे जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे जो है आप प्राइमरी फ़ोन नंबर अपना लिख लोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे, कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना नंबर लिख लोगे, जो भी आपका नंबर होगा। मैं वैसे रैंडम जहाँ पे जो है नंबर्स डाल लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास परमानेंट होम एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपना होम एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका हाउस का एड्रेस होगा। मैं वैसे रैंडम डेटा फिल कर रहा हूँ, आप सिंपली अपना पूरे एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। फिर आप यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिख लोगे, जो भी आपकी सिटी का नेम होगा। सिटी का नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे स्टेट या प्रोविंस लिख लोगे, मैं वैसे रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, आप अपने प्रोविंस का ही नाम लिखना। उसके बाद जो है आप नीचे कंट्री चूज़ करोगे कि आपकी कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे आप कंट्री का नेम लिख लोगे। और फिर नीचे आप पोस्ट कोड लिख लोगे, ये आप गूगल से अपने एरिया का देख सकते हो। जिनके साथ स्टार्स हैं वो फिल करना लाजमी है, जिन ब्लैंक्स के साथ स्टार्स नहीं है वो फिल करना लाजमी नहीं है। फिर आपके पास सिटीजनशिप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कंट्री चूज़ करोगे कि किस कंट्री की सिटीजनशिप है आपके पास। पाकिस्तान की है मेरे पास, मैं पाकिस्तान लिखूँगा। फिर कौन सी कंट्री में आप परमानेंटली रेजाइड कर रहे हो, कौन सी कंट्री में रह रहे हो परमानेंटली, तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं वो क्लिक कर लूँगा। अगर आप जो है किसी और कंट्री में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल दुबई सऊदी, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास है नेशनल आईडी नंबर, तो यह है रिक्वायर्ड फॉर सिटीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ कतर। तो अगर आप जो है कतर के सिटीजन हो या कतर के रेजिडेंट हो, तो फिर आप इसको यहाँ पर अपना आईडी नंबर लिख लोगे। अगर आप जो है कतर में नहीं रह रहे हो या कतर के सिटीजन नहीं हो, तो आप जो है इसको मैं नहीं लिख सकते अपना पाकिस्तानी आईडी नंबर या किसी और कंट्री का। नीचे मेरे पास जो है वो पासपोर्ट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिखूँगा। यहाँ पे मैं रैंडम नंबर कोई सा भी लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं नीचे ऐड फाइल पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। ये उन मज़ीद जो है लोगों के लिए है जिनके पास जो कतरी नहीं है या फिर कतर में नहीं रह रहे हैं, तो उनके पास जो है नीचे वाला ऑप्शन है कि आप जो है इसमें अपना पासपोर्ट नंबर लिख के यहाँ पर अपलोड कर लो। अगर ये आपकी जो है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो अपलोड करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का सेक्शन है, तो अगर आप करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर लो। यस चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल सारी डाल लोगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, US स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लास इफ़ एनी, तो आप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो भी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है कब से इस जगह पे जॉब कर रहे हो, करंटली जिस पे आप जॉब कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। कि अगर आप एक साल से कर रहे हो, 3 साल से जो भी है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। और फिर यहाँ पे आप करंट ऑफिशियल टाइटल लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अकाउंटेंट हो या फिर कोई मैनेजर हो, जो भी हो, तो आप यहाँ पे अपनी पोस्ट का नेम लिख लोगे। और अगर आप करंटली कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं हो, तो आप सिंपली यहाँ पर नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है नीचे, तो अगर आप पास्ट में कहीं पे जॉब कर चुके हो, तो फिर आप यहाँ पे नीचे उसको क्लिक कर लोगे कि कब से कब तक आपने जो है पास्ट में जॉब किया हुआ है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एम्प्लॉयड ओवर ऑल, मीन्स के टोटल जो है पास्ट में आपने कितने ईयर्स जॉब करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 साल तक जॉब करी है, 3 साल तक करी है, 1 साल तक करी है, तो जितनी भी आपने जॉब करी है टोटल सारी मिला के पास्ट में, तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है 1 से 3 साल के बीच में की है, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपके पास जो है CV का ऑप्शन है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपनी CV यहाँ पे अपलोड कर लोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे,
चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है आप सीवी चूज़ कर लोगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद जो है आपकी सीवी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल डालोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपनी बैचलर्स की एजुकेशन हासिल की है। फिर आप यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के सिटी का नेम लिखोगे, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी थी। फिर यहाँ पे आप प्रोविंस का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आप एमटी भी छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आप कंट्री का नेम लिख लोगे कि कौन सी कंट्री में आपने जो है इस यूनिवर्सिटी पढ़ी है। और फिर आप जो है बैचलर्स डिग्री मेजर यहाँ पे लिख लोगे कि आपने जो है किस फील्ड में, किस प्रोग्राम में जो है अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है रिज़ल्ट डिटेल्स हैं, तो आप अगर ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हो, मीन्स कि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो। अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आप अभी 7th या 8th सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। अगर आप येस चूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की डेट लिखोगे कि कब आपने जो है अपनी डिग्री ख़त्म की। वो चूज़ करने के बाद जो है ग्रेट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जो है आपने लिखना है कि आपका ग्रेड कैसा था, आपके कि आप गुड था या वेरी गुड था, जो भी था वो आपकी डिग्री पे मेंशन होगा। वो लिखने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। तो यहाँ पे अगर आप नो पे क्लिक करते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप अपनी वो डेट लिखोगे जिस डेट को आप जो है ग्रेजुएट करोगे। उसके बाद जो है क्यूमुलेटिव जीपीए और ग्रेड टू डेट, तो यहाँ पे जो है आप अपनी सीजीपीए लिख लोगे, जितनी भी आपकी सीजीपीए होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आप जो है अभी तक आपको नहीं मिली आपकी डिग्री, तो जब तक कि आपकी जितनी ग्रेड बनती है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है ग्रेड डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेड अबव इफ़ नीडेड। जैसे यहाँ पे इज़ इट अ जीपीए एन एवरेज अ स्कोर और परसेंटेज, तो आप अगर यहाँ पे जीपीए लिखते हो 3 point something, या फिर अगर आप परसेंटेज लिखते हो, या फिर आप जो है मार्क्स लिखते हो, तो फिर आप नीचे लिखोगे कि ये मैंने परसेंटेज लिखा है, या ये मैंने जीपीए लिखा है, या मैंने मार्क्स टोटल लिखे हैं। पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं, यहाँ पे जो है आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करो, बाद जो है अपने यहाँ पे अपनी अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन का। अगर आप जो है पहले मास्टर्स कर चुके हो, तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स जो है, जैसे मैंने बैचलर्स की बताई है, वो यहाँ पे आप डाल लोगे। अगर आप जो है मास्टर्स नहीं कर चुके, तो फिर आप यहाँ पे नो क्लिक कर लोगे, और सिंपली आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है कि आपको तो या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए, या फिर आपको कोई और जो है आइल्स वगैरह या इंग्लिश का टेस्ट अपलोड करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स पेज गिवन है, आप इस पर क्लिक करोगे, अपने प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट्स देखोगे, और उस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की डिटेल जो है वो एंटर करोगे। अब अगर आपके प्रोग्राम में आपको आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो थी वो इंग्लिश में थी, तो आप यहाँ पे जो है वेवर में येस चूज़ कर लोगे। येस चूज़ करने के बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे नीचे अटैच फाइल में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो अटैच कर लोगे ऐड पे क्लिक करके। वो अपलोड करने के बाद जो है आपने सिंपली नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप सिंपली अपना जो है पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे, बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास रेफरी इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। रेफरी इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आपने जो है अपनी रेफरीज की सारी डिटेल्स डाल लेनी है, और जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उनसे कॉन्टेक्ट करके आपका बिहाफ पे जो है रेफरेंस उनसे ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली टू एकेडमिक रिकमेंडेशंस जो है उनकी डिटेल्स डालोगे, अपने प्रोफेसर्स की, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे उनके 2 different professors की डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले आप टाइटल चूज़ करोगे, फिर उनका जो है नेम यहाँ पे लिखोगे, जो भी उनका नेम होगा। फिर यहाँ पे जो है आप करंट पोजीशन उनकी लिखोगे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, जो भी है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है करंट इंस्टीट्यूशन लिखोगे, कौन सी इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर है, उस इंस्टीट्यूट का नाम। उसके बाद जो है उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी उनका ईमेल एड्रेस होगा, और रिलेशनशिप टू यू में जो है आप यहाँ पे लिख लोगे कि आपके वो क्या लगते हैं, टीचर प्रोफेसर है, या फिर आप जो है एकेडमिक डीन है अगर आपके, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे, या फिर अगर एम्प्लॉयर सुपरवाइज़र है तो वो भी चूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे जो है आपने टीचर प्रोफेसर चूज़ करना है अगर आप प्रोफेसर का डाल रहे हो। सिमिलरली आप जो है नेक्स्ट रेफरी की भी यहाँ पे लिख लोगे। डिटेल डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे यस पे क्लिक कर लोगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आप इसको यस कर लोगे। वो यस करने के बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट सा सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आप जो है इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, यह बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ी या आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके और कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।